ये मेरा पुराना वाला टायर इन्फ्लेटर है जिसको मैं लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसमें अभी कोई दिक्कत आ गई है जिसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये वाला जो टायर इन्फ्लेटर है ये मैंने नया मंगाया है। ये वाला जो पुराना वाला था इसको मैंने 1500 रुपये में मंगाया था, और आज ये जो नया वाला इन्फ्लेटर है ये मुझे 2300 रुपये के आसपास मिला है। तो चलिए इसमें जो दिक्कत है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो इसके पावर कॉर्ड को मैंने प्लग कर दिया है, और आप देख सकते हैं इसमें लाइट भी आ गई है। इसमें जो अभी दिक्कत आ रही है 2.5 साल इस्तेमाल करने के बाद, वो इसके एलईडी लाइट से रिलेटेड है। इसमें जो एलईडी लाइट और एसओएस लाइट का फंक्शन दिया हुआ था वो अभी काम करना बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं मैं इस बटन को दबा रहा हूँ और ये जो लाइट है नहीं जल रही है। लेकिन अभी भी इसका जो मेन पर्पस है टायर इन्फ्लेशन का, टायर में हवा भरने का, वो अच्छे से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा ये पंप चालू हो जाएगा। तो अभी भी ये वर्क कर रहा है, बस इसमें दिक्कत ये आई है कि इसकी जो एलईडी लाइट्स है वो काम करना बंद कर दिया है। तो चलिए अभी के लिए इसको मैं साइड में रखता हूँ, और जो नया वाला टायर इन्फ्लेटर है उसको एक बार हम अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो दोस्तों 2300 रुपये के आसपास मुझे ये मिला है अमेज़ॉन से। जो सेलर है वो क्लाउड टेल है। तो 2300 रुपये के आसपास ये प्रोडक्ट थोड़ा सा मुझे महंगा लगा। वैसे ये थोड़ा सा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, तो आपको पता है जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है उसके प्राइजेस भी उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों ये है नया वाला टायर इन्फ्लेटर। बॉक्स की पैकिंग आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बॉक्स ये साइड से निकल रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं कैमरे में, ये साइड से ये बॉक्स थोड़ा सा निकल रहा है। और यहाँ पे इसका टैग दिया हुआ है, प्राइस वगैरह लिखा हुआ है। हालांकि एमआरपी तो काफ़ी ज़्यादा लिखा होता है, उतने में ये बिकता नहीं है। इसमें अंदर ब्लैक कलर का ये कवर दिया है। पुराने वाले का कवर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पुराने वाले का कवर है, ब्राउन कवर में पहले आता था। ये अंदर कुछ पेपर वगैरह दिए गए हैं, और ये एक्सटेंडेड वारंटी के लिए दिया गया है। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है 1 साल की वारंटी के साथ आता है, लेकिन अगर आप इसका रिव्यू करते हैं इस प्रोडक्ट का तो 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिल जाती है। ये व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट करके वारंटी ले सकते हैं। और ये इसका यूज़र मैनुअल है। ये एक बैजिंग दी गई है, पता नहीं इसका यूज़ क्या है बट दी गई है इसके साथ। ये एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ दी गई है और एक प्लग दिया गया है, और कुछ इस तरह से प्रोडक्ट है। और नए और पुराने में कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग सेम प्रोडक्ट ही है। ये नया वाला है और ये पुराना वाला है, कोई भी अंतर नहीं है, आप किधर से भी इसको देख सकते हैं। पीछे बारकोड दिया गया है, पावर कॉर्ड भी सेम है, लगभग सारी चीज़ें सेम दी गई हैं। दोस्तों इसका जो सॉकेट है उसमें दिक्कत एक ये है कि बहुत ही बेसिक सा दिया गया है, और कई बार इसमें ये होता है कि इसका जो फ्रंट वाला सॉकेट है वो अपने से लूज़ हो करके खुल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रस्टिंग भी होनी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा इसके अंदर के जो मीटर हैं उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है मुझे, और जो नंबर्स है वो थोड़े अलग तरीके से दिख रहे हैं। और इसमें जो एलईडी लाइट्स हैं ये देख सकते हैं, दोनों अच्छे से काम कर रही है। ये बारी बारी से जैसे आप बटन दबाते जाते हैं अपना फंक्शन करती जाती है।
और ये हमारा मेन इन्फ्लेशन वाला बटन है पावर का। तो चलिए इससे गाड़ी में हवा भर के देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। और मैंने चार्जिंग सॉकेट में उसको प्लग कर दिया है और वायर की लेंथ आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी दी गई है। ये यहाँ पे ऑन हो गया है और काफ़ी लंबी वायर दी गई है, आप देख सकते हैं काफ़ी पीछे तक ये आ जाता है, चारों पहियों तक आसानी से पहुंच जाएगा। और चलिए हवा भर के एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लग को मैंने यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे 30 PSI अभी हवा इसमें बता रहा है। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बीच वाला सेंटर वाला जो बटन है उससे आप अलग अलग वैल्यू में देख सकते हैं। अभी हम इसको PSI में ही मेज़र करते हैं तो उसी में रहने देते हैं। और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है वहाँ पे ये बता रहा है कि आपको कितने PSI हवा भरनी है। तो जैसे 30 PSI इसमें टायर में अभी करंट एयर प्रेशर है और हम 36 PSI तक इसमें टायर में हवा भरेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया और पावर बटन मैं दबाऊंगा। दोस्तों ये जितना हमने सेट किया होता है उससे थोड़ा सा ये 0.5 या एक ज़्यादा भरता है, क्योंकि जैसे हम इसको निकालते हैं तो थोड़ी सी हवा भी लॉस हो जाती है। और ये नए वाले इन्फ्लेटर से हमने इस टायर में हवा भरा था 36 PSI, और ये पुराने वाले से हम एक बार वेरीफाई करेंगे कि जितना PSI हमने भरा था उतना ही है, मतलब कि इसके मीटर की एक्यूरेसी हम चेक करते हैं। कुछ व्यूवर ने कंप्लेन किया था कि इसका जो मीटर है वो उतना एक्यूरेट नहीं है, और यहाँ से 32 PSI हवा भरने के बावजूद वो 45 PSI तक हवा को भर देता है। तो चलिए एक बार हम इसके मीटर को भी वेरीफाई कर लेते हैं। ये नया वाला इन्फ्लेटर है, इसको मैंने अनप्लग कर दिया है, और पुराने वाले इन्फ्लेटर से एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसमें अभी कितना प्रेशर है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 33.5 PSI प्रेशर बता रहा है। और चलिए नए वाले से एक बार हम फिर से लगा करके देख लेते हैं कि कितना प्रेशर इसमें है अभी। तो अभी ये पुराने वाले सॉकेट को मैं निकाल देता हूँ और ये नया वाला सॉकेट है इसको मैंने प्लग कर दिया। ठीक है, ये नया वाला इन्फ्लेटर ऑन हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 36 PSI यहाँ पे शो कर रहा है। तो सही बात है, इसका जो मीटर है वो एक्यूरेट नहीं है,
और मे बी ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो, क्योंकि इसको मैंने वेरीफाई किया है दुकान में ले जा कर के, तो ये प्रॉपर हवा भरता है, मतलब जितना PSI शो करता है उतना एक हवा ये भर देता है। और चलिए एक बार हम बाइक में भी चेक कर लेते हैं कि कितनी हवा का प्रेशर ये बता रहा है। वीडियो को मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ, ताकि कुछ बंदे ये ना कमेंट करें कि आपने गलत बताया या बंद करके हवा को कम ज़्यादा कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 32.5 PSI एयर बता रहा है, और इसको अभी मैं निकालता हूँ। ठीक है, ये नया वाला प्लग है, पुराना वाला वहाँ मैंने लगा दिया। ठीक है, ये नया वाला है, ये पुराना वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 PSI का पूरा फर्क आ रहा है इसमें। तो जैसा पुराने वाले इन्फ्लेटर में जो मैंने मंगाया था उसमें दिक्कत आ रही थी कि जिसका मीटर सही से काम नहीं कर रहा था, तो उसका रिप्लेसमेंट फाइनली आ गया है, और अब हम इसके मीटर को चेक करेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या इसमें भी वही दिक्कत है। तो ये मेरा पुराना वाला टायर इन्फ्लेटर है, और ये जो है रिप्लेसमेंट में आया है। तो चलिए पहले मैं पुराने वाले से हवा भरता हूँ, इसको चालू करते हैं और चेक करते हैं कि कितना PSI ये हवा बता रहा है। ये पुराना वाला प्लग है। और एक चीज़ और मुझे दिखानी थी, जो नया वाला टायर इन्फ्लेटर आया है उसके अगर आप प्लग को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी आपको रस्टिंग देखने को मिलेगी, अगर आप कैमरे में देख पाएँ तो। इसमें अंदर की तरफ भी काफ़ी रस्ट देखने को मुझे मिला है। तो पहले हम पुराने वाले को लगाते हैं और देखते हैं कि क्या प्रेशर ये अभी बता रहा है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये पुराना वाला टायर इन्फ्लेटर लगा है और इसमें अभी टायर प्रेशर 35.5 बता रहा है। और अभी हम सेम टाइम पे नए वाले प्लग को लगाएंगे और देखते हैं कि क्या प्रेशर शो कर रहा है। ये देखिए नया वाला टायर इन्फ्लेटर लगा है और इसमें अभी टायर प्रेशर बता रहा है 35.5, जो कि दोनों में एकदम एग्जैक्ट है, और थोड़ी बहुत हवा वो इसको प्लग को निकालने लगाने में भी निकल जाती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आप वॉशर का 802D मॉडल या कोई भी टायर इन्फ्लेटर लें, उसके मीटर को आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। चाहे आप टायर दुकान पर जा सकते हैं या फिर पेट्रोल पंप में जहाँ पे डिजिटल मीटर लगा हुआ होता है वहाँ पे एक बार इसके मीटर को क्रॉस चेक करना ना भूलें, क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसी दिक्कत हुई है तो आपके साथ भी हो सकती है। और नो डाउट ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा है, ड्यूरेबल है, लगभग 2.5 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि ये जो प्रोडक्ट है अभी 2300 रुपये के आसपास अमेजोन पे बिक रहा है, जो कि मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइज लगा। 1800 रुपये के आसपास इसकी प्राइस होनी चाहिए थी,
और अगर ऑफ़र वगैरह लगा लें तो उससे भी कम में आपको ये मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।